दोस्तों, हम सभी को पता है कि दिवाली का नाश्ता मेक्स दिवाली मोर स्पेशल। इसलिए आज हम बहुत ही आसानी से एंड झटपट बन जाए ऐसी क्रिस्पी एंड स्वादिष्ट चूरा फली बनाएंगे, जो आप दिवाली के बाद भी बनाकर खाने को पसंद करोगे। सो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना, जिससे हमारे सभी ऐसी टेस्टी रेसिपीज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो चलिए शुरू करते हैं बनाना थोड़ा क्रिस्पी, थोड़ा क्रंची एंड वेरी टेस्टी दिवाली स्पेशल रेसिपी चूरा फली। गुजराती स्पेशल चूरा फली बनाने के लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून सोडा, 1 टीस्पून मैदा दैट इज ऑल पर्पज फ्लोर, 1/4 कप उड़द दाल का आटा एंड 1 कप बेसन का आटा दैट इज ग्राम फ्लोर। अब सबसे पहले एक पतीले में हम डालेंगे 1/2 कप जितना पानी एंड उसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट एंड अब हम इसे गैस पर रख के गर्म कर लेंगे। हम ये गर्म पानी चूरा फली का डो बनाने के लिए यूज़ करेंगे। सो अब हमारा पानी गर्म हो गया है। अब एक बाउल में हम ले लेंगे 1 कप बेसन का आटा, देन उड़द दाल का आटा एंड 1/4 टीस्पून सोडा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम हमारा चूरा फली बनाने के लिए डो तैयार कर लेंगे। दोस्तों, जैसे जैसे हम हमारा डो तैयार करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा डो सख्त होते जाएगा। अब जब हमारा डो बन गया है, अब हम इसे सख्त से सॉफ्ट करना है। तो अब सॉफ्ट करने के लिए हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल एंड अब हम इसे 3 से 4 मिनट तक इसे अच्छे से कूट लेंगे। ये करने से हमारा जो डो है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा एंड हमें इसे बेलने में भी आसानी होगी। तो आप देख सकते हो हमारा डो बिल्कुल तैयार है। हमारी डो की थिकनेस बिल्कुल इतनी होनी चाहिए। अब एक के बाद एक हम इसकी ऐसी गोल लोइयां बना लेंगे। अब इस पे थोड़ा स्प्रिंकल कर देंगे मैदा एंड देन अब हम इसे बेल लेंगे। दोस्तों, चूरा फली सभी लोग अलग अलग शेप की बनाते हैं, कोई राउंड बनाता है या तो कोई सिर्फ स्ट्रिप्स बनाता है, बट हम चूरा फली का शेप थोड़ा छोटा ही रखने वाले हैं। So, अब हमारा डो बेल के तैयार है। तो अब हम डिजाइनर नाइफ या नॉर्मल नाइफ की मदद से हमारे मन चाहे शेप में इसे कट कर लेंगे। दोस्तों, हमने ये जो चूरा फली का शेप छोटा ही रखा है बिकॉज छोटा शेप रखने से हमें खाने में आसानी होगी एंड इसे स्टोर करने में भी बहुत आसानी होगी। अब हमारे चूरा फली फ्राई होने के लिए बिल्कुल तैयार है। सो अब हम एक पैन में ले लेंगे ऑयल एंड इसे गर्म होने देंगे एंड जब गर्म हो जाए तब हम इसे मीडियम फ्लेम पर करके हमारी सभी चूरा फली को एक के बाद एक फ्राई कर लेंगे। बीच बीच पे हम हमारी चूरा फली को पलटाते रहेंगे। तो आप देख सकते हो हमारी चूरा फली ऑयल में जाके तुरंत ही फूलने लगी है। सो आप देख सकते हो हमारा जो चूरा फली का टेक्सचर है वो थोड़ा गोल्डन टाइप आ गया है, लाइट ब्राउन गोल्डन टाइप आ गया है। सो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। अब हम चूरा फली पे स्प्रिंकल करने का मसाला बना लेंगे, जो कि बहुत इजी है। उसके लिए हम 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर एंड 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट को मिक्स कर लेंगे एंड अब हम इसे चूरा फली में स्प्रिंकल कर लेंगे। सो अब हमारी चूरा फली खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। सो आप भी टेस्टी चूरा फली ज़रूर ट्राई करिए एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को खिलाइए। एंड ये रेसिपी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलेंगे एक ऐसी ही नई टेस्ट रेसिपी के साथ। टिल द टाइम आपको एंड आपकी फैमिली को वेरी 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 हैप्पी दिवाली।